तो सामिन श्याम अल्लाह ताला ने पांच हजार से भी ये नात और भी हैं कुरान में, लेकिन ये इकट्ठी हैं जो सदीक अकबर की शान में नाजिल हुई है। आखिरी पारा सूरा वल्लैल खोलो, आखिरी पांच हजार 17, 18, 19, 20, 21 ये पांचों की पांचों सही नबक सदीक रजी की शान में नाजिल हुई है। इसलिए कि आप हैं किरदार मुस्तफ़ा, रौन के बाजार मुस्तफ़ा, कुश्ताए दीदार मुस्तफ़ा, साकने मजार मुस्तफ़ा, अफ़ज़ल बशर बाद अल-अंबिया। 17 नंबर आया मुकद्दस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वसायु जन्नब हल अतका, ही मे बी केप्ट अवे फ्रॉम द एंड हु गॉड्स मोस्ट अगेंस्ट ईवल, इनको जहन्नम से दूर रखा जाएगा, सबसे ज्यादा जिहाद इन्होंने किया है, ये परहेजगारों के इमाम है। 18 नंबर आया मुकद्दस, अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, ही गिव्स अवे हिज वेल्थ टू प्यूरिफाई हिमसेल्फ। माया कोई अपने नाम के लिए दौलत आता है, कोई किसी लालच के लिए दौलत आता है, कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए दौलत आता है, लेकिन सुनो मेरे सदीक अकबर का यह मकाम है, अल्लाह दी युती मालहू यतज़क्का, ये अपने नफ्स को पाक करने के लिए मेरे राह में दौलत आ रहा है। 19 नंबर आया मुकद्दस, वमाल यहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, जब आपने झोली भर के दिया था ना सोना, बिलाल हबशी को खरीद के आज़ाद किया, अबू जहल अबू लहब ने ताना मारा उनको, बहुत बड़ा कोई शान होगा बिलाल का सदीक अकबर पर, इसलिए इतना सोना दे के खरीदा है। मेरे सदीक अकबर ने जवाब नहीं दिया उनके ताने का, महबूब किबलिया ने भी जवाब नहीं दिया, अल्लाह ताला ने खुद जवाब दिया। 19 नंबर आयत, वा माल यहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, इंसान का बदला तो वो चुकाएगा जिस पर किसी का शान हो। मैं रब्बे कायनात को कहता हूँ, नो वन हैज विद हिम एनी बून फॉर विच ही शुड बी रिवार्डेड, इस पर किसी का कोई शान नहीं जिसका ये बदला चुकाए। 20 नंबर आया मुकद्दस, इल्लतिगा अबद ही रब्बी हिल आला, ये है मुकाम सदीक अकबर का, ओनली सीकिंग दी प्लेयर ऑफ हिज ऑलमाइटी अल्लाह दी मोस्ट हाई, इनका एक ही काम है कि जो काम करते अपने रब की रजा के लिए करते हैं, इल्लतिगा अबद ही रब्बी हिल आला, अपने बुलंदो बाला रब की रजा के लिए ये काम करते हैं, वाला सऊफ यरदा एंड ही शैल बी वेल प्लीज्ड, और आन करीब इनका रब इनसे राजी हो जाएगा। आइए जरा इसकी ये वजह बनी, शान नज़ूल जो बना, बिलाल हबशी को मैया बहुत बेदर्दी से मार रहा है, दोपहर का वक्त है, नंगा बदन है, भाई बाहर जाके बात करो, तो आपने देखा बिलाल हबशी को उमैया जो है लुटा के जमीन पर, वो उसकी कमर भी नंगी है और कांटों की छड़ी से मार रहा है, खून के फवारे निकल रहे हैं, वो आहद आहद की सदाएं लगा रहे हैं, तो आपने उसे कहा क्यों मारता है, कहता है ये मेरा दीन का मुनकर है, या हदा हदा रहम रहम की सदाएं लगाता है। आप उसके पास गए बिलाल के, सदीक अकबर बड़े रकीकुल कलब है, सदीक अकबर सरकार के तमाम साहबा में सबसे जो नरम दिल वाले हैं वो सदीक अकबर है, रकीकुल कलब। पूछा आपका नाम क्या, उसने कहा बिलाल, ये हमारे मस्जिद का नाम भी मरकजी मस्जिद फैज़ बिलाल गौसी है, ये बिलाल हफ़ी आज के रसूल के नाम पर बनाई गई है, बिलाल माना आता है, बिलाल का माना गया, बिलाल का माना ही बड़ा अजीम है, क्योंकि अरब में वो सहराई इलाका था, बंदे अक्सर प्यास से मर जाते थे, शदीद प्यास से बंदों की मौत वाकई हो जाती थी, तो बिलाल किसको कहते हैं, जब बंदे को शदीद प्यास लगी हो, उसकी जान को खतरा हो, तो उसको दूध पीने के लिए दिया जाए, तो जब पहला घूंट वह पीता है तो उसके गले को जो त्रावट मिलती है उसको अरबी में बिलाल कहते हैं, वहां जान निकलने के करीब हो, गला उसको सुखा प्यास से, पीने के लिए दूध मिले तो उसको नोश करे, जब पहले घूंट वो पिए दूध का तो गले को जो त्रावट मिलती है उसको अरबी में बिलाल कहते हैं।
मैं, मेरा नाम बिलाल है, मैं हम उस अल्लाह के बंदे हैं जो अलीम मजात सदूर है सीना के राजू को जानता है, इस जालम से अकीदा पशीदा रख लो। बिलाले अबशी खामोश हो गए, फिर एक दिन गए सिक्के पर, फिर मार पड़ रही है। फिर आपने फरमाया, अर्ज किया मैं इरादा तो करता हूँ लेकिन जब इश्क मुस्तफ़ा की तो गया नहीं आती है तो रातों को बहा के ले जाती है। तो सरकार की बारगाह में आया सिद्दीक़ अकबर, अर्ज किया हजूर आपके गुलाम को वो रोजाना ही उमैया जालम बड़ा मारता है, उबैया बिन हल्फ, मैं क्या इरादा है? अर्ज किया हजूर मैं चाहता हूँ मैं उसको खरीद लूँ। सरकार ने कहा ऐसे करो फिर मुझे भी बिलाल की खरीदारी में शामिल कर लेना, कुर्बान जाऊँ बिलाल हफ्ज़ तेरी अज़मत पे। महबूबे किबरिया फरमाते हैं कि मुझे भी खरीदार में शामिल फरमा लेना। सिद्दीक़ अकबर गए दरवाजे पे दस्तक दी, उस दिन मैया अंदर मार रहा है उसको, पूछा कौन? फरमाया कि अबू बकर। निकला बड़े गुस्से में, पूछा क्या बात है? मैं इसको क्यों मार रहे हो? वो पहले तंग था, कहता है तुम्हें इतना प्यार आते हो इसे ले जाओ खरीद लो। मैं ठीक है मैं ले लेता हूँ। मेरे घर में एक बड़ा गोरे रंग वाला काले दिल वाला गुलाम है, तो ये काले रंग वाला गोरे दिल वाला मुझे दे दे। सिद्दीक़ अकबर ने जब गुलाम को बुलाया ना, अपने को बड़ा हसीनो जमील था, रंग का गोरा था लेकिन दिल का काला था। उमैया ने देखा तो उसके हुस्न पे फरेफ्ता हो गया, कहता ठीक है सौदा मंजूर है, ये मुझे दे दो बिलाल ले दो। जब सिद्दीक़ अकबर जाने लगे तो उमैया बड़ा जालम बड़ा खलान था, उसने कहा कि ये तो इसकी मोहब्बत में डूबे हुए हैं तो मैं कुछ साथ इजाफा ना कर दूँगा। कि मैं बराबरी का सौदा नहीं करूँगा, मुनहरफ हो गए सौदे से, मुझे साथ इतना सोना भी चाहिए। सिद्दीक़ अकबर घर गए, झोली भर के सोना लिया तो दे दिया, जोली भर के सोना भी दिया, बिलाल भी दिया, गुलाम भी दिया। बिलाल लेके चले तो उसने क्या क्या लगाया, तमस्कर उड़ाया कि शुरू से जो है मुनकरीन है ना अल्लाह ताला के बंदों के, उनका मजाक उड़ाते हैं, तमस्कर उड़ाते हैं। तो मैं क्या हुआ है क्यों हंसा? कहता है तू तो बड़ा दयानादार बड़ा जहीन फतीन ताजर था मक्के का, लेकिन आज धोखा खा गया। मैं तो बिल्कुल गुलाम के बदले गुलाम देने पर तैयार था, तेरा शौक खरीदारी देख कर मैंने कीमत बढ़ा दी। मैं गजालम तूने बिलाल के जहर को देखा बात उनको देखा ही नहीं, तुम्हें क्या पता है इसने जमीन पे चलना तो कदमों की छाप के बाद जन्नत से आनी है, तुझे क्या पता सरकार की बारगाह जन्नत की हूरों की मलका ने कहने के मुझे दे दो सरकार उसको ता फरमा दे। मैं तुमने बिलाल को देखा ही नहीं, तुमने जहर को देखा है बादलों को नहीं देखा, क्योंकि कदर भुला बुलबुल जाने साफ दिमाग वाली कदर फुलांदा गिरज की जाने ते मुर्दे खावन वाली कदर नबी दा एक ही जान दुनियादार कमीने कदर नबी दा वो सुनी जान ते जिन्ना दे रोशन सीने कदर नबी दा वो सुनी जान जिन्ना दे रोशन सीने। वक्त अपने दामन इतनी वसत में रखता है, इंशाल्लाह अगले एक तो जुमा भी शाना सिद्दीक़ अकबर पर एक आपके वसाल पे भी लगना भी। तो सहमन ये शाम मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि ये इतना बड़ा मकाम सिद्दीक़ अकबर को कैसे मिल गया है? तो मौला कायनात में कि चार चीज़ों में उन्होंने सबकत की है, इस्लाम लाने में पहल की है, नबूवत की तस्दीक करने में पहल की है, और सबसे पहले इस्लाम का ऐलान करने में पहले खतीब मौसमे आने में शुक्र की है, और फिर गार में सरकार का साथ देने में पहल की है। तो सिद्दीक सादक उसको कहते हैं जो सच बोलता है, जो सच बोले उसको सादक कहते हैं, और जो बात ऐसी करे जैसे वो कहे अल्लाह से उसे करते बात को पूरा उसको सिद्दीक कहा जाता है। इमाम नबवी शारे मुस्लिम लिखते हैं हदीस हतली इस्लाम रावी है सदीस के, हतली इस्लाम फरमाते हैं कि इसलिए आपको सदीक कहा जाता है कि नबूवत की सबसे पहले तस्दीक आपने की, दूसरा सारी उम्र आपने झूठ नहीं बोला। ये कौन फरमा रहे हैं? हतली इस्लाम का कौल है, सारी उम्र आपने झूठ नहीं बोला, सारी उम्र कोई लग्जिश भी आपसे नहीं हुई, इसलिए आपको सदीक कहा जाता है। तो याद रखना नबी सलाम का फरमाने निशान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन,
जो झूठा उसके ऊपर खुदा की लानत होती है। सरकार ने फरमाया कि जो झूठ बोलता है वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। ये अल्लाह ताला को इतना प्यार अपने महबूब के साथ कि सरकार ने फरमाया कि झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, तो अल्लाह ताला फरमा दिया लानतुल्लाहिल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत। और आज ये बात ज़हन में रखें, मजाक से झूठ बोलो तो एक गुनाह कबीरा लिखा जाता है, मजाक से भी। मेरे आका की शरीयत में दो चीज़ें मजाक में लागू होती हैं, अगर कोई मजाक में बीवी को तलाक देते हो तो उसके वक्त तलाक वाक़ हो जाती है, ये बात ज़हन में रख लेना। और अगर मजाक में किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलोगे ये गुनाह कबीरा लिख दिया जाएगा, जो बगैर सच्ची तौबा के माफ़ नहीं होता। सगीरा गुनाह जो है वो वजू करने से, हाथ धोए तो हाथों के गुनाह माफ़, चेहरा धोए चेहरे गए, पाँव धोए पाँव के, सर का मसा किए सर के गए, लेकिन गुनाह कबीरा बगैर सच्ची तौबा के माफ़ नहीं होते। तो आज हम लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं, माल बेचने के लिए झूठ बोलते हैं, नाकस माल नफ़ा ज़्यादा कहने के, खुदा की कसम इतने का तो मैं पढ़ता भी नहीं, चाहे हम तो एक रुपया नफ़ा नहीं ले रहे, चाहे 400-500 का टिका लगा रहे हो, बात बात पर झूठ बोलते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मोमन कभी झूठा नहीं हो सकता। आज हम तो चूरी खाने वाले मजनून हैं, जाओ देखो यूरोप ने अमेरिका ने तहकीक किया इसके ऊपर कि अल्लाह के महबूब ने कहा झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, तो टेलिंग लाइज़ इज़ द ग्रेटेस्ट सिन। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि लानतुल्लाहिल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर खुदा की लानत। उन्होंने तहकीक की है कि इतनी छोटी सी बात है, अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं कि गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा झूठ है, तो अल्लाह ताला उन्हें लानत डालते हैं। साल हा साल इसके ऊपर तहकीक की है, अब उन्होंने फाइंडिंग दी है यूरोप वालों अमेरिका वालों ने, उन्हें कह के वाकई वो तो दुनियावी लिहाज से देखते हैं ना, दीन को तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि वाकई जो बंदा झूठ बोलता है ना उसकी जो मेमोरी है कुछ या हाफिज़ा वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने फाइनल में लिखा कि अल्लाह के महबूब का फरमान पर हक है, खुदा का फरमान पर हक है। उन्होंने दुनियावी लिहाज से टेस्ट किया है कि जो बंदा झूठ बोलता है उसकी मेमोरी वेस्ट होती है, उसकी कुफ्त याददाश्त कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो सरकार ने फरमा दिया कि मोमन कभी झूठा नहीं हो सकता। तो आज अगर झूठ की लान तो खत्म हो जाए ना, तो खुदा के साथ हमारा माशरा जन्नत का नमूना बन गया। बहुत ज्यादा माशरती बुराइयों की जड़ झूठ से शुरू होती है। तो आज अल्लाह के घर में बैठ कर, अल्लाह के महबूब की महफिल में बैठ कर, जिक्र सदीक अकबर में बैठ कर अहद करना है, सदीक अकबर का जिक्र किया है अगले दो जुमे में इंशाल्लाह के लिए ऊपर, कि आज के बाद हम इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। एक नेकी तो इसी वक्त आपके नामा माल में दर्ज होगी, अगर इस पर अमल किया तो 10 गुना, तो इखलास दिया तो 700 गुना अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मेरी और आप सब की हाजिरी अपनी बारगाह कुर्सिया में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।